गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है जो एसपीडी जो साइंस चल रहा था उसमें हम लोग 33 मॉडल सेट तक कंप्लीट कर चुके थे। बीच में थोड़ा सा वीडियो रुक गया था क्योंकि थोड़ा सा और कामों में थोड़ा सा आदमी व्यस्त था। आज से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे पूरे मॉडल सेट को। आज हम लोग मॉडल सेट पढ़ेंगे 34, 35 और 36 को आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हूं आलमगीर आलम और आपके देख रहे हैं अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 08। ठीक, तो आज का मॉडल सेट शुरू करते हैं 34 नंबर। उसमें पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो मच्छर भगाने के लिए जो दवाई उपयोग किया जाता है वो किस रसायन से बना रहता है। तो एलिथ्रीन नामक जो रसायन होता है उसी से बनता है ये दवा। कौन सी दवा होती है? जो क्वाइल वगैरह होता है, जो मच्छर भगाने वाला क्वाइल होता है ना, उसमें एलिथ्रीन नामक रसायन मिला देते हैं। ठीक है, अब बुलेट प्रूफ जो जैकेट वगैरह होता है उसमें कौन सी किस कांच से बनी रहती है? तो रेसेदार कांचों से बना रहता है। कौन सा? बुलेट प्रूफ जो जैकेट वगैरह होता है उसे बना रहता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत का वाणिज्यिक ऊर्जा प्रधान होता है। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं कि भारत को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? तो कोयला से मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो फूलों के अध्ययन क्या बोलते हैं? तो एंथोलॉजी बोलते हैं फूलों का अध्ययन को। देखो ये सारे चीज़ों को, ये अध्ययन वगैरह को एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरा आ जाएगा। सिक्कों का अध्ययन का, फूलों का अध्ययन का, फलों का अध्ययन का, मतलब सबका एक सेपरेट आ जाएगा। वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ऐसे एक पहले वीडियो भी बना चुका हूँ, उस पर पुराना वाला जो बुक था ये आप सभी को जैसे कि पता है ये न्यू एडिशन बुक है। इसमें जो 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन, 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो सबको इसमें डाला गया। इसीलिए थोड़ा सा ये बाकी बुक से है जो ज़्यादा बेहतर थोड़ा सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आलू के ब्लैक हार्ट रोग जो होता है, ब्लैक हार्ट जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है ब्लैक हार्ट रोग। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण, यानी लहसुन जो हमें महकता है उसमें क्या रहता है? तो सल्फर योगी के कारण लहसुन का गंध हमें सुंघाई मतलब पता चलता है, गंध का, स्मेल का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो मुर्गियों में रिकेट्स नामक रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण मुर्गियों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, रिकेट्स मतलब रोग होता है ना, उसमें हड्डी कमजोर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो मानव में श्वेत रंग यानी WBCE का व्यास होता है, यानी WBCE कितना बड़ा होता है? तो 0.07 mm का रहता है उसका व्यास। उसी हिसाब से देख लीजिए कि कितना होगा आपका WBCE की जो आकार होगा कितना बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यूरिया रक्त में पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा, यानी कि जो हमारे जो रक्त होता है वो उसमें से यूरिया वगैरह कैसे, मतलब सीधा सीधा समझो कि रक्त में से जितने भी गंदगी वगैरह रहता है, जो अनवांछित पदार्थ जो होता है उसको कैसे निकलता है? तो गुर्दा द्वारा उसको पृथक यानी छान लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो एक जलीय पौधे को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफाइट कहा जाता है जलीय पौधे को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं किससे? तो कैवाल और शैवाल से, जो कवक और शैवाल जो होता है वो क्या है? लाइकेन है। ठीक है, लाइकेन के अगर एग्जाम्पल या उदाहरण पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कवक और शैवाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या होता है? तो प्रोटीन के देखो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बायोलॉजी में कि प्रोटीन जो होता है तीन जगह जगह पचता है। ठीक है, प्रोटीन सबसे लेट से पचता है। ठीक है, तो यहाँ एक दिया है कि प्रोटीन के पाचन का जो एंजाइम है ट्रिप्सिन है। ठीक है, बहुत सब तीन मिलेगा वो उसको बायोलॉजी में ऑलरेडी मैं उसको जब पढ़ा रहा था, उसको जो पाचन तंत्र जब पढ़ा रहा था उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो बच्चे नहीं देखे होंगे प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको बायोलॉजी का अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सारा वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जो बच्चे शुरू से क्लास वगैरह देखते आ रहे होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो शरीर में ऊतकों का नियोग होता है प्रोटीन से। क्या होता है? शरीर में ऊतकों का जो नियोग होता है वो किसे होता है? प्रोटीन से होता है। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है क्या? कैल्सिफेरॉल, यानी विटामिन डी में क्या पाया जाता है? तो कैल्सिफेरॉल पाया जाता है। ठीक है, लड़ोलुड़ो उड़ो हार्मोन के क्या किसे कहते हैं? तो एंड्रेलिन हार्मोन कहते हैं। देखो एंड्रेलिन हार्मोन जो होता है ना, कभी कभी आप ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं तभी आपके शरीर में निकल रहा है, या आप घबरा गए या टेंशन में आ गए तो आपके शरीर में जो हार्मोन्स निकलता है जिसके कारण ये आपके शरीर में ये सारी एक्टिविटी होती है, ये सारी प्रतिक्रिया होती है। और किस हार्मोन के कारण होती है? तो एंड्रेनिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। देखो एसिटिलीन जैसे हम लोग लैंग्वेज में देखेंगे तो हम लोग अपना भाषा में बोलेंगे तो कार्बाइड चीज होता है ना उसी को बोला जाता है एसिटिलीन। समझ आए कि नहीं समझ आए? ठीक है, उसके बाद देखेंगे फुट और माउथ रोग किसे कहा जाता है? देखो फुट एंड माउथ रोग किस में पाया जाता है? तो मवेशी में पाया जाता है, वो भी मवेशी कौन से मवेशी में? सुअर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन विषाक्तता का कारण होता है, यानी सेल्यूनेशना वेलिसिलाई जो होता है, यानी कि सेल्यूनेला जो होता है वेसिलाई उसके कारण क्या होता है? भोजन जो है विषैला हो जाता है। एथलीट फुट बीमारी होती है किसमें? फफूंद से होती है, एथलीट फुट नंबर बीमारी हो जाती है। उसके बाद देखेंगे मॉडल सेट नंबर 35 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो गुण सूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है। देखो डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, चार तरह का सिंड्रोम होता है। ये सिंड्रोम होता है क्या है? जब गुण सूत्रों की जगह हमारे मनुष्य में कितने गुण सूत्र होते हैं? 23 जोड़ा यानी 46 को, जब इनकी संख्या में कमी या ज़्यादा हो जाती है जैसे 45 हो गया या 47 हो गया, यानी 46 से कम हो रहा है या 46 से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है, तो ये सारे सिंड्रोम के बारे में भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ जो लिखा हुआ है डाउन सिंड्रोम एक
क्या है, अनुवांशिक विकार है जो गुण सूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो गोल क्रीमी निमेटेटा होने वाला रोग क्या है, फाइलेरिया के कारण गोल क्रीमी नामक रोग हो जाता है। व्हाइट्स रोग प्रभावित करता है गुर्दे को, देखो व्हाइट्स रोग जो होता है, ब्राइट्स रोग जो होता है वो गुर्दे को प्रभावित करता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए दो रसायन पदार्थ का कौन प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर को अगर पानी में डाल दीजिएगा तो पानी की गंदगी जो है धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, यानी पानी जो होता है साफ हो जाता है। हवा में हल्की गैस कौन है, तो हवा में सबसे हल्की गैस होता है हाइड्रोजन, लेकिन गुब्बारे में हीलियम भरा जाता है। क्यों भरा जाता है कि हाइड्रोजन जो होता है गर्म गैस होता है, अगर हाइड्रोजन को भरा जाएगा तो हल्का तो होगा लेकिन उसी के साथ गुब्बारा जो होता है फूट जाएगा, यानी ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो हवा में भारी गैस का क्या नाम है, तो हवा में सबसे भारी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आग वगैरह लग जाता है ना, तो देखते हो कि बहुत सारे जगहों पर तो पानी से आग को बुझाया जाता है, लेकिन जो बिजली वगैरह से आग लगा है या जहाँ पर आप पानी यूज नहीं कर सकते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेयर छोड़ दिया जाता है। वो क्या करता है कि वो जाकर ऑक्सीजन को दाब देगा, यानी कि जब आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आग जो है बुझ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, भारी गैस होता है। ठीक है, इसी कारण ये जब जो मैं ज्योग्राफी वगैरह जब पढ़ेगा तो उसमें बताऊँगा कि जो शुक्र जो ग्रह है ना उस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसी कारण वो शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसमें देखेंगे थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो तापमान को स्थिर रखना थर्मोस्टेट का प्रयोजन कहता है, यानी सीधा सीधा समझो कि दो तापमान को मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो उसके बाद देखेंगे तो तापमान को स्थिर रखने के लिए क्या काम किया जाता है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन का काम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है द्रव्य स्वर्ण के रूप में पाया जाता है, यानी कि कौन ऐसा जो पदार्थ है जो द्रव्य सोना यानी कि लिक्विड सोना जिसे कहा जाता है, पेट्रोल को लिक्विड सोना कहा जाता है। ठीक है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो मछली के हृदय में दो प्रकोष्ठ होते हैं। देखो हृदय का प्रकोष्ठ मतलब क्या कह रहा है, जैसे हमारे हार्ट है उसमें क्या है, चार चैम्बर है यानी चार भाग है, उसी तरह कह रहा है मछली में दो ही भाग होता है। ठीक है, अगर अपवाद में पूछेगा तो घड़ियाल और मगरमच्छ में चार चैम्बर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो गोताखोर के किन गैसों के मिश्रण में सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम जो गैस होता है वो गोताखोर लेकर नीचे जाता है। देखो क्या होता है ना कि ऑक्सीजन अगर लेकर जाएगा ना तो ऑक्सीजन थोड़ा सा भारी गैस होता है, और जाहिर सी बात अभी जस्ट बताया कि हीलियम सबसे हल्का गैस होता है, तो गोताखोर अपने सिलेंडर के साथ जो हीलियम गैस लेकर जाता है ताकि वो हल्का भी रहे और आसानी से उसको समुद्र की गहराई में लेकर जाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो मातृकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो 1971 में मातृकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लागू किया गया। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक क्या है, तो पोर्टलैंड सीमेंट हो गया या कोई भी सीमेंट हो गया उसमें चूना सिलिका या एल्यूमिना ये चारों जो तीनों पदार्थ जो है मिलाकर सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट का, ये तो क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, किसी न किसी एग्जाम में आपको चिपका ही देगा ये क्वेश्चन, तो इसको याद रखें। एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर होता है कितना, 746 वाट का बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm होता है, यानी 0.001 mm होता है क्या, एक माइक्रोन। नेक्स्ट देखेंगे तो एक पिकोग्राम बराबर होता है 10^-12 ग्राम। देखो इसका जो है ना, इसका भी मैं एक सेपरेट बता दूंगा कि 10^-3, -6, -9 ये सब क्या क्या बोला जाता है, सबको एक जगह इकट्ठा करके मैं बता दूंगा, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई, तो 1 अप्रैल 1957 से क्या किया गया, आपका ये मीट्रिक प्रणाली को शुरू किया गया। गैस का दाब पाया जाता है किसमें, मैनोमीटर में गैस का दाब को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो टोक्यो मीटर नामक यंत्र को से क्या मापा जाता है, तो वायु यान या मोटर की गति को मापा जाता है टोक्यो मीटर। ठीक है, पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र कोस्मोग्राफ, पौधे में अगर वृद्धि को नापना है तो कोस्मोग्राफ से नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मोटरसाइट में आएंगे तो मोटरसाइट नंबर 36 नंबर देखेंगे तो पहला नंबर क्वेश्चन है ये क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग ये उसका आविष्कार यानी खोज किया था। ठीक है, रडार का पूर्ण रूप होता है, रडार का मतलब फुल नाम क्या है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, क्या नाम होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है क्या, रडार का फुल नाम होता है। उसके बाद देखेंगे पदार्थ की अम्लता में क्षारीयता का आकलन किया जाता है पीएच स्केल से, देखो पीएच स्केल से कैसे किया जाता है, पीएच स्केल ये हो गया। उसके बाद पीएच स्केल देखेंगे तो 0 से 14 तक होता है, बीच वाला जो होता है 7 होता है, यानी 7 से कम हो गया तो अम्लीय हो गया, 7 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, और जो सुबेन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है कौन सा, तो आइसोहेलाइन जो होता है वो क्या बताता है, आइसोहेलाइन बताता है कि समुद्र में जो जल जो है कितना लवण है, यानी कि कितना अम्लीय है, ये लवणीय है, ये क्या बताता है, यानी खारा जो पानी होता है ना उस खारा का लेवल को किससे नापा जाता है, तो आइसोहेलाइन से नापा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है, अग्निशमन में वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो हेरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन क्या किया जाता है, तो हेरोलॉजी में समय मापन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन किया जाता है ट्राइबोलॉजी, ट्राइबोलॉजी में घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट है गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, गति के नियमों का प्रतिपादन जो किया था न्यूटन ने किया था। पारसेक इकाई क्या है, तो पारसेक जो दूरी की इकाई है, देखो प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है और सबसे लंबी दूरी की इकाई अगर पूछा जाता है तो पारसेक होता है। उसके बाद प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष के बाद आ जाएगा तो किलोमीटर आ जाएगा, मतलब छोटा अगर करते जाएंगे मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, इससे छोटे छोटे बहुत सारे इकाई है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई क्या है दूरी की, पारसेक। याद रखना एक जूल बराबर होता है क्या 10^7 अर्ग होता है, ठीक है, यानी 10^7 अर्ग इज इक्वल टू कितना हो गया एक जूल हो गया। एक बैरल बराबर कितना होता है, तो 10 डेसिबल बराबर होता है एक बैरल, ठीक है, 10 डेसिबल इज इक्वल टू एक बैरल होता है। सापेक्षता आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, यानी सापेक्षिक जो आर्द्रता जो होती है आर्द्रता जो नापी जाती है किससे, हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट देखेंगे तो न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। याद रखना न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पृथ्वी उसको अपने तरफ नीचे तरफ खींच रही है, तो उसका कोई भी उसका भार नहीं रहेगा, वो सीधे सीधे नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद उसका भार का पता चलता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या हो जाएगा, दोनों एक ही साथ गिरेगा। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी कैसे, लकड़ी गेंद जो हो जाएगा वो समान अगर ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो दोनों एक ही साथ गिरना चाहिए। यहाँ पे ये लकड़ी के जो गेंद है, अगर लकड़ी गेंद हो या लोहा गेंद हो, अगर भार दोनों का सेम है तो सेम ही समान ही स्थिति में नीचे आएंगे, ठीक है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो निर्वात में लोहे लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, दोनों एक साथ पृथ्वी पर आएगा। अच्छा देखो ये कह रहा है ना कि जब वही मैं वही उसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, हवा का अगर उपस्थिति हुआ ना तो लकड़ी पर थोड़ा सा हवा क्या करेगा ना, उस पर प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, तो क्या होगा कि थोड़ा सा लकड़ी थोड़ा धीरे लेट से गिरेगा, ठीक है, और जो लोहा जो है ना वो सीधा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और निर्वात में अगर गिराया जाए, यानी कि कहीं भी किसी भी तरह का हवा मौजूद नहीं हो, वहाँ गिराया जाएगा, तो दोनों एक ही समान स्थिति में आएगा। वही चीज़ मैं बोल रहा था, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा था, ये निर्वात में दोनों एक समान गिरता है और हवा में थोड़ा सा लेट गिरता है, कौन लकड़ी गिरता है थोड़ा सा लेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो भारहीनता होती है क्या, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को क्या कहते हैं, भारहीनता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के कारण क्या, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का जो बूंद हो जाता है वो गोलाकार हो जाता है। देखो पृष्ठ तनाव मतलब क्या होता है, वर्षा की बूंद आपस में टकरा टकरा क्या होती है, गोल हो जाती है, उसी को कहा जाता है पृष्ठ तनाव, यानी वर्षा का बूंद गोलाकार होने के कारण क्या है, पृष्ठ तनाव होता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो मॉडल सेट नंबर 35 तक देख लिए लो, कल का जो है 36 तक देख लिए, यानी कल का जो वीडियो मतलब 37, 38 और 39 मॉडल सेट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यहीं तक इस वीडियो को खत्म करते हैं, तो फिर से दूसरे वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।